हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की एकदम नई रेसिपी। तो यहाँ मैंने ले लिए आधा किलो के करीब आलू, जिन्हें मैंने धोकर साफ़ कर लिए हैं। और ये ले रही हूँ मैं हरी मिर्चें 8 से 10, एक टमाटर, कुछ हरा धनिया। आलू को हम लंबे लंबे स्लाइस काट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारे स्लाइस काट लेंगे आलू के। तो ये मैंने काट लिए हैं। रख लेती हूँ मैं कढ़ाई, इसके अंदर डालती हूँ मैं 1 चमचा ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है मेरा, अब इसमें डाल देते हैं ज़ीरा। यहाँ इसमें इस रेसिपी में मुझे बहुत सारे मसालों की ज़रूरत नहीं है, ये कम मसालों में बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है। तो यहाँ डाल दिया मैंने ज़ीरा, तो ज़ीरा चटक गया है हमारा। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, और साथ में डाल दूंगी टमाटर। टमाटर को हमें गला लेने हैं इसी में। एक मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से गलने देंगे। तो ये गलने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, इनको ढककर गला देंगे। अच्छी तरीके से गलने चाहिए टमाटर हमारे। तो इसको पकते हुए 1 मिनट हो चुका है, हम इसे खोल कर देख लेती हूँ गले हैं कि नहीं। तो ये टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब डाल देंगे इसमें आलू। और आलू अच्छी तरीके से टमाटर मिर्च के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इनको चलाते हुए भून लें 1 से 2 मिनट के लिए। आलू अच्छी तरीके से भुन गए, इसमें डाल देती हूँ नमक। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, और ये बहुत थोड़ी सी मैंने फ्लेक्स ली है। और 1/4 चम्मच ली है हल्दी। मिर्ची मैंने हल्दी से भी कम डाली है, फ्लेक्स सिर्फ हल्के से फ्लेवर के लिए लिए। और यहाँ मैंने ये अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है मसाला। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी, और इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए गलने देंगे आलू। तो ये 4 से 5 मिनट हो गए, चलिए खोल कर देख लेती हूँ। तो आलू हमारे गल गए, अब डाल देंगे इसमें धनिया। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब कर लेते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।